हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कलेरों के समीकरण के रूप में परिवर्तित होने योग्य समीकरण। ऐसे अवकल समीकरण पढ़ेंगे जिनको कलेरो इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये इंग्लिश में इसका लिखा हुआ है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लेरेट फॉर्म। ठीक है, क्लेरेट फॉर्म में रिड्यूस करके चेंज करके फिर उनको सोल्व करते हैं। तो इसका कोई खास मेथड नहीं है। ठीक है, कोई खास नियम भी नहीं है। कुछ अवकल समीकरण जिनमें कुछ अवकल समीकरण में कुछ अवकल समीकरण उचित प्रतिस्थानों के द्वारा क्लेरों के समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। परंतु जैसे इस टाइप की इक्वेशन हो, इस रूप का अगर कोई इक्वेशन है या इस रूप का इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर वी मान लेंगे और एक्स स्क्वायर बराबर यू मान लेंगे। ठीक है, और फिर इसमें मान रखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये क्लेरो इक्वेशन में चेंज हो जाएगी ये इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही ये इक्वेशन है, इसमें e की पावर एम वाई को हम v मान लेंगे और e की पावर एन वाई, यहाँ से e की पावर एन वाई को u मान लेंगे, और जब इसमें मान पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा, ये इक्वेशन क्लेरो इक्वेशन में, क्लेरो समीकरण में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो खास रूप है, खास फॉर्म है। अगर इस टाइप की इक्वेशंस है तो फिक्स है कि ये मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई फिक्स नियम नहीं है। तो यही बताया गया है कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे हम v मान रहे हैं, e की पावर एम वाई को v मानते हैं, लेकिन इस टाइप का इक्वेशन हो तो y स्क्वायर को v मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऊपर यही लाइन लिखी हुई है। ठीक है, परंतु यदि समीकरण के रूप का हो, ठीक है, इस प्रकार का हो, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यदि y बराबर ये समीकरण हो के रूप का समीकरण हो, तो y स्क्वायर बराबर v और x स्क्वायर बराबर u मान लेते हैं। U U मानकर सोल्व करने पर, U मानने पर समीकरण कलेरो समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, और यहां पे के रूप का समीकरण हो, तो यहाँ से क्या करेंगे, e की पावर एम वाई बराबर v मान लेंगे और e की पावर एन वाई बराबर u। ठीक है, मानने पर समीकरण जो दिया गया समीकरण है वो क्या हो जाएगा, क्लेरो समीकरण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लेरो समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्लेरो समीकरण में परिवर्तित होने के बाद अपने को पता है ही, p बराबर c पुट करने पे व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ठीक है,
एग्जाम्पल बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा हुआ भी है। हल कीजिए, ठीक है, वाई माइनस टू एक्स वाई टू एक्स पी प्लस ठीक है, ये कोई समीकरण स्टार है, ठीक है। अब इसमें चूंकि एक्स स्क्वायर आ नहीं रहा तो हम इसमें क्या करेंगे, माना वाई स्क्वायर बराबर वी पुट करेंगे, ठीक है। वाई माना वाई स्क्वायर बराबर वी, तो क्या आ जाएगा यहां से, टू वाई और सॉरी इसका मान लिए माना वाई स्क्वायर बराबर वी है, ठीक है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अब तो मैं ये ऊपर से मिटा रहा हूं, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कीजिए इसका कर रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर टू वाई स्क्वायर बराबर वी का, तो वाई स्क्वायर का टू वाई और वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वी का डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, मैं वी को इस टाइप से लिखता हूँ, ठीक है, ये वी लिखता हूँ मैं ऐसे, तो आप ये मत लिखाना कि ये क्या लिख रहे हैं सर। यहाँ से चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है पी, और डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये है कैपिटल, ये है बड़ा पी, ये छोटा पी है, ये होता है, ये बड़ा पी है, ये क्या कर लिए हम, मान लिए, माना, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से, टू वाई पी बराबर कैपिटल पी, ठीक है। यहाँ से पी का मान क्या होगा, स्मॉल पी का, स्मॉल पी बराबर कैपिटल पी बटे टू वाई, ठीक है, ये आ गया ये समीकरण एक। अब देखिए समीकरण एक से पी का मान, स्मॉल पी का मान स्टार में, समीकरण स्टार में पुट करने पे, यानी रखने पे, पुट करने पर, ठीक है, क्या आएगा, रखिए इसमें स्टार में, तो वाई माइनस टू एक्स और पी की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल पी बटे टू वाई, ठीक है, प्लस स्मॉल पी है, ए वाई को ले लिए बार और पी स्क्वायर की जगह क्या रख दिए, कैपिटल पी बटे टू वाई और स्क्वायर बराबर जीरो। यहां से क्या आ जाएगा, वाई माइनस टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स पी
बटे वाई, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस यहाँ क्या आएगा ए वाई इंटू कैपिटल पी स्क्वायर बटे चार वाई स्क्वायर। तो वाई से वाई का स्क्वायर चला गया तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे नीचे एक वाई बच जाएगा, ठीक है। बराबर जीरो, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसका इधर करते हैं इसको हल, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, अब चूंकि अब इसमें हम y की जगह भी v पुट करेंगे, ठीक है, इसको p और y में v में लेंगे, क्योंकि दिया गया समीकरण किस में था, x y और p में डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हम सेकंड एक्सरसाइज में यही सब पढ़ रहे हैं। अब इसको क्या ले लिया, y स्क्वायर पर अब v ले लिया ना, तो ये भी पुट करना है यहाँ से समीकरण एक में, ठीक है। तो अब कीजिए यहाँ से y से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो y से गुणा करने पे क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स पी, ठीक है, कैपिटल P, ठीक है, ये y कट जाएगा प्लस क्या आ जाएगा यहां से, यहां पे ये y भी कट जाएगा, तो a बटे फोर कैपिटल पी स्क्वायर, ठीक है, बराबर जीरो। अब वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी, ठीक है, वी माइनस एक्स पी कैपिटल पी प्लस ए पी स्क्वायर बटे फोर बराबर जीरो। चूंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि वाई स्क्वायर बराबर वी है, ठीक है, इसीलिए ये मैंने रख दिया। आप चूंकि ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सेट करते हैं कि v बराबर पी एक्स प्लस, इसको उस साइड लेते हैं, माइनस ए पी स्क्वायर बटे फोर, ठीक है, तो ये क्या हो गया समीकरण दो, समीकरण दो क्या है, कलेरो का समीकरण है, कलेरो का समीकरण है, ठीक है, इसलिए p बराबर c पुट करने पर, ठीक है, तो p बराबर क्या पुट कर देंगे, ये हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, कलेरो के समीकरण में p बराबर c ही आता है, ठीक है, व्यापक हल निकालने के लिए, तो v बराबर p की जगह क्या रख देंगे c, तो c x माइनस a अपॉन फोर और c का स्क्वायर, जहां c क्या है, c एक स्वेच्छ अचर है, ये क्या आ गया समीकरण तीन। समीकरण तीन, समीकरण स्टार का व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन है, और c बराबर स्वेच्छ अचर है, ठीक है, तो ये क्या हुआ समीकरण तीन, समीकरण स्टार जो ये दे रखा है इसका क्या है व्यापक हल, समीकरण स्टार का जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये आ गया, ठीक है, ऐसे ही हमारे को निकालना है।
अब ये आ गया, इसको और भी इजी वे में लिख दीजिए, यहाँ पे जैसे वी वी का मान रख दीजिए तो ये किस में आ जाएगा, एक्स व्यापक हल हम निकालना चाह रहे हैं एक्स वाई और सी में, तो एक्स और सी तो है ही, यहाँ वी था तो वी की जगह क्या रख देंगे, यहाँ से वी बराबर क्या होता है वाई स्क्वायर, तो रख दीजिए तो वी बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे भी ठीक है, पहले वाला भी ठीक था लेकिन वैल्यू पुट कर देंगे, हमने क्या माना था वाई स्क्वायर को वी माना था, तो वी की जगह वाई स्क्वायर लिख दिए, इससे कोई चेंज होने वाला है नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है समीकरण तीन, अब समीकरण स्टार का व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे इनको सोल्व करते हैं। अब ये एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें भी लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना, सबसे पहले एग्जांपल्स कंप्लीट, जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं वो सब सोल्व कीजिए, और फिर एक्सरसाइज के तो आप सोल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में किसको क्या माना गया है। जैसे इस एग्जांपल में वाई स्क्वायर को वी माना गया है, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में पता नहीं, उसमें एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग होता है ना, क्वेश्चन के अनुसार हमारे वो मानना पड़ता है, ठीक है, क्लेरो समीकरण में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो आप ये कीजिए सोल्व, और केडी कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।